मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस जवानों के लिए आयोजित नववर्ष कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने विभिन्न सुरक्षा बलों के जवानों के साथ भोजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने पुलिस कर्मियों और अर्ध सैनिक बलों के जवानों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के तौर में पुलिस कर्मियों और अर्ध सैनिक बलों के जवानों के साथ ये पहला कार्यक्रम है, लेकिन आखिरी नहीं, आगे भी मैं आप सबसे मिलता रहूंगा। मुख्यमंत्री बघेल ने कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस कर्मियों और अर्ध सैनिक बलों के जवानों द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने परित्राणाय साधुनाम के सूत्र को चरितार्थ करके दिखाया है। पहले लोग सोशल मीडिया में पुलिस की आलोचना करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हमारे राज्य की पुलिस ने ऐसा कार्य किया कि सोशल मीडिया छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किए गए मानवीय कार्यों से भरा पड़ा था। इसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जिस तरह किसान खेत में अन्न का उत्पादन कर हमारा पेट भरते हैं, वैसे ही हमारे सुरक्षा कर्मी दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। किसान और जवान दोनों का योगदान अतुलनीय है। मुख्यमंत्री बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिए गए नारा जय जवान जय किसान को दोहराया। उन्होंने कहा कि नक्सली क्षेत्र में हमारे जवान साहस और शौर्य के साथ डटे हुए हैं। पुलिस बहुत ही संतुलित तरीके से कार्य कर रही है। तनाव में रहकर भी संयमित होकर कार्य करना हमारी पुलिस की खूबी है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पुलिस की कैप में भारत की राष्ट्रीय चिन्ह होना आपकी विशिष्टता दर्शाता है। इसकी गरिमा बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली समस्या समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान बहुत ही साहस और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। यही वजह है कि विगत दो वर्षों में एक बार भी मानवाधिकार संगठनों ने कोई भी शिकायत नहीं की है। पिछले दो वर्षों में हमारे जवानों ने आदिवासियों का विश्वास जीता है। पुलिस का मूल कार्य अपराध नियंत्रण करना है। विगत दो वर्षों में सही मायने में कम्युनिटी पुलिसिंग हुई है, अब पुलिसिंग होते हुए दिखाई देती है।